तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक से होंगे और अच्छे से होंगे। तो आज मैं आया हूं, दिल्ली के एक होटल है वहां पे आया हूं, क्योंकि एक मेरा दोस्त है वो मिलने आए हैं और अभी गाड़ी उनकी थोड़ा लेट है। वो भी एक यूट्यूबर है तो मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो मैं इसीलिए उनके लिए कमरा बुक किया था। वो बोले पहले बता के रखे थे कि मेरे लिए कमरा बुक कर देना, तो मैं इसीलिए पहले आ गया हूँ उनसे। तो अभी मैं जाऊँगा उनको लेने के लिए, फिर वो आएँगे तो मैं आप लोगों को मिलाऊँगा उनसे। तो मैंने सोचा क्यों ना यार, लोग बहुत सारे डरते हैं कि ये जो दिल्ली का जो रूम होता है उसमें थोड़ा कैमरे का डर रहता है। तो आज मैं दिखाऊँगा आप लोगों को कि अगर दिल्ली में के अंदर अगर आप आते हैं, अगर ओयो में अगर आप रूम बुक करते हैं, तो आपको कैसे आपको चेक करना होगा कि इसमें कैमरा है कि या कैमरा नहीं है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इसमें कैमरा है या नहीं। तो गाइस, ये देख सकते हैं आप, ये रूम है ओयो, इसका ये पूरा एक आपको जब आप आओगे तो एक ऐसा डबल बेड मिल जाएगा आप लोगों को। ये की चाबी, ये मेरा फ़ोन है जो मैं रखा हूँ, और ये है शायद बाहर का जाता है, देखते हैं इसको। ये बाहर में जा रहा है, बाहर के भी तो हम बाहर नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ से कुछ फायदा नहीं होगा मुझे। तो मैं आपको अंदर में दिखाऊंगा, ये आपका सीढ़ी है यहाँ पे, तो हम इसको बंद कर दें फिर मैं आपको सीढ़ी दिखाता हूँ। चालू अभी चालू करेंगे। तो अगर आप आते हैं इसको चेक करने के लिए इसमें कैमरा है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कैमरा रखने का यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको वॉशरूम है। मैं वॉशरूम भी दिखाऊँगा। तो देखिए एसी लगा हुआ है इसमें, और कैमरा अगर लगा भी होगा तो देखिए कैमरा लगाने का इसका तरीका होता है ना, ये कभी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बेड के पास में ये छोटे छोटे, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि क्या है, ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। बाकी आपको एक साइड मिरर दे दिया गया इसमें, वो व्यू दिखेगा आपको। एलसीडी चालू करते हैं, इसको चालू है, चालू हो रहा है। तो ये देखिए, तो आपको ना जैसे चेक करना होगा तो आप पहले सबसे पहले लाइट को ऑफ कर देंगे। देखिए मैं लाइट को ऑफ कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप, अगर लाइट ऑफ हो जाएगा यहाँ पे तो आपको ना जो कैमरा होता है वो ब्लिंक मारता है, लाइट कैमरे की आती है, तो आपको है ना अपने फ़ोन से ऐसे देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से दिखेगा नहीं, ऐसे फ़ोन से देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ऐसे कुछ दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे एलसीडी चला लिया हूँ, तो कोई नहीं, इसमें उतना डरने की बात नहीं है। तो मैं फिर लाइट ऑन कर दिया हूँ। ये बेड, ये आपका एक लैंडलाइन मिल जाएगा, आपको कोई सी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप इसमें 9 नंबर दबा के देखिए आप इसको कॉल कर सकते हैं। ये लैंडलाइन नंबर है, और ये मिरर तो आपको दिखाई दिया हमें, ये आपका चेयर हो गया बैठने के लिए, इसे बैठ सकते हो आप चेयर। ये देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया, मैं वॉशरूम आपको दिखाता हूँ, इसका वॉशरूम कैसा है, वॉशरूम में भी कैमरा हो सकता है। तो चलिए मैं वॉशरूम दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये मैं वॉशरूम दिखा रहा हूँ आपको, देखिए वॉशरूम के अंदर ये सारी लाइटें हैं, और ये नहाने के लिए गीजर लगा हुआ है। गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप गीजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉयलेट काफ़ी अच्छा है, इसको हम बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा होटल का, बाकी फिर बाहर चलते हैं। तो आ गए हम इधर बाहर। तो अभी हमारा दोस्त आने वाला है, तो जैसे आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, मिलाऊंगा उसे। तो वीडियो को आप यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बताओ आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ये डरने की कोई बात नहीं है इसमें, अगर आप आते हैं होटल में तो आप आराम से रह सकते हैं। ये देखिए मैं भी थोड़ा अभी रेस्ट करूँगा, फिर जाऊँगा अपने दोस्त को लेने, फिर मैं मिलाऊँगा उसे। तो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।